अरे बिलाल क्या कर रहा है? बस बस शिल्पा जी उधर ही होल्ड उधर ही उधर बस बस भाई यहीं पे शिल्पा जी और उधर ही उधर नीचे करना कैमरा यार मैम मत लो ना शूट मैम मत लो ऐसा लोग अच्छा किया अच्छा आप लोगों का मतलब कैसा लगता है मैं खा खा के आई हूं हम लोग काबू मैम इधर सामने सामने देखिए सामने यहाँ पर थिएटर में थोड़ा आगे आ जाओ नीचे भी नीचे में आगे मत आ रहा है उधर ही एक मिनट रुक जा रुक जा एक मिनट अरे यार भाई क्या कर रहा है यार भाई तुम निकलना है तुम निकलना अरे रुको यार अरे भाई तो कैमरा लेना यार नीचे अरे अभी देखना अरे देखना क्या मिलेगा लेकिन भाई तू पूरा कैमरा पीछे नहीं लेगा कौन मेरा कैमरा आ रहा है यार आज आ गया अरे पीछे ले यार ये नीचे ले यार मेरे चालू कैमरे में कैसे लगाओ अभी लगाएगा चल लगा अटैक
चलो माइंड हो गया चलो। क्या प्रिपेयर है दूसरा रियलिटी शो जीतने के लिए? अरे ऐसे तो बीच में एक कर लिया शो, बट हाँ सही पकड़े। वो शो में से मैं वापस बीच में से निकल गई थी, जैसे सारे शो का मेरा टैग लग चुका है, मैं बीमार थी, लेकिन इस बार बिग बॉस की तरह ही सबको निकाल के लास्ट में आऊंगी। सुबह आपने कहा कि आपको दिव्यांका और हिना खान का सीजन ज्यादा अच्छा लगा था, तो आप क्या कुछ अलग कर पाएंगे? तो खतरों पर डिपेंड करता है, रोहित शेट्टी से खतरों से कैसे बचता है? हाँ रोहित शेट्टी भी मुझे बहुत बड़ा खतरा लगता है, मुझे उनसे डर लगता है। आई मीन ही इज नाइस पर्सन, मतलब जो स्टंट्स जो लेवल का है वो डांटेंगे तो नहीं, ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी अगर वो डांट जाए, डांटेंगे तो, बट हाँ उनकी डांट में भी एक सीख होती है ऐसा मुझे लगता है। काफी अलग अलग टास्क आपको फेस करने पड़ेंगे, तो आपने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस शो के लिए? किसी भी तरीके से मैंने कहा कि पेपर में इतना ही बात कर सकते हैं। हां सीरियसली आज आपका फियर क्या है, मेन फियर क्या है आपको? बहुत ये आप लोग सब मेन फियर और क्या-क्या लिख देंगे पता नहीं, अच्छा लिखेंगे आपको। हां और जो लोग भाभी जी करके आपको बुलाते हैं और उस भाभी जी को शो में देखेंगे तो बोलेंगे अब खतरा आ गया, खतरा आ गया। तैयारी सब फेल हो गई, कुछ और ही होगा इस बार, नई जगह पे जा रहे हैं। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो समीरा का होना नहीं करेगी, मैं भी करूँगा। चलो ठीक है करेंगे करेंगे मेरे।